यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या है द नंबर, क्वेश्चन देखिए, द नंबर 3 पावर 521 डिवाइडेड बाय 8, व्हाट इज द रिमाइंडर। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको बताएं सिंपल, 3 की पावर 520 लिख लीजिए इंटू 3 की पावर 1, यानी आंसर हो गया 3। एक सेकंड में आपने आंसर निकाल लिया, कैसे, क्योंकि आप इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर की पावर 2, 6, right, 0। अब ये है इंटू 3, इसको लिख सकते हो 1 प्लस 8, 9 को 2 पावर, अब 8 डिवाइडेड 8 कर रहे हो तो इसका रिमाइंडर 1, ये बचा 3, तो आंसर विल बी 3, यानी रिमाइंडर थ्योरम पे देखिए सेकंड क्वेश्चन है और आपने कितने इजीली सॉल्व कर लिया, राइट। नोट डाउन दिस क्वेश्चन, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या है, द इनइक्वालिटीज 3 पावर n > n³ होल्ड व्हेन n इज एनी नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर मींस काउंटिंग नंबर, तो ऑप्शन ए है n इज एनी नेचुरल नंबर, n इज नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 2, n इज नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 3, n इज नेचुरल नंबर एक्सेप्ट 3। अब देखिए एक चीज समझिए, अगर थोड़ी देर के लिए n की वैल्यू मान लो मैं 3 ले लूं, तो ये 3 का क्यूब होगा और ये 3 का क्यूब होगा, ये पॉसिबल नहीं है, तो n की वैल्यू एक्सेप्ट 3 तो होना ही है, तो डी ऑप्शन वही है, n इज अ नेचुरल नंबर एक्सेप्ट 3। 3 के अलावा आप n को कुछ भी ले लो, सपोज आपने 1 लिया तो 3 पावर 1 इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन 1 क्यूब, मान लो आपने n की वैल्यू 2 ली तो 3 का स्क्वायर हुआ 9, 2 का क्यूब हुआ 8, ऑब्वियसली 9 बड़ा है। n की वैल्यू 3 लेनी नहीं, 4 ली तो 3 पावर 4 इज 81, यहाँ पर होगा 4 का क्यूब 64, यानी डी डेली n इज एनी नेचुरल नंबर एक्सेप्ट 3 इज अ राइट आंसर, यानी कंसेप्चुअल पेपर था, समझने वाला पेपर था, अगर कंसेप्चुअल स्ट्रॉन्ग हो तो पेपर इजीली सॉल्व हो सकता था, राइट। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या है, गिवन दैट द पॉलिनोमियल x² + ax + b लीव द सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय x - 1 और x + 1, व्हाट आर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। एक्स की वैल्यू 1 रख दीजिए, तो एक्स की वैल्यू जब 1 रखेंगे तो वही रिमाइंडर मिलेगा, मतलब इसको डिवाइड करना बेसिकली जो x + 1 पे मिलता है, राइट। तो इसको मतलब इक्वेट करना, जब आपने x की वैल्यू 1 रखी तो आपको मिलेगा 1 + a + b, और फिर रखिए -1 तो आपको मिलेगा कितना, 1 - a + b। देखिए b से b कैंसिल हो गया, यहाँ पर 1 से भी 1 कैंसिल हो गया, तो a का वैल्यू कितना आ गया, 0, राइट। a का वैल्यू 0 एंड एनी इंटीजर, b कुछ भी हो सकता है, a का वैल्यू 0। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2+, कितना अच्छा क्वेश्चन है, √2 अप टू इनफाइनाइट, इसको मैं मेथड से ही बताता हूँ पर पहले लॉजिक बताता हूँ इसके। देखिए ऑप्शन क्या है, 1, 2, 3 एंड 4। बाय लॉजिक आप मुझे एक बात बताइए कि 2 + anything > 2 होगा, 1 और 2 रिजेक्ट। अगर केवल √2 होता तो √2 की वैल्यू होती 1.41 यानी 3.41, ये भी रिजेक्ट, तो करेक्ट आंसर इज 4। क्वेश्चंस के कंसेप्ट ऐसे बनाओ कि आप हर तरह से क्वेश्चन कर पाओ, अगर मेथड से करते हैं तो इस क्वेश्चन को कुछ इस ढंग से करा जाता है, इसको अलग से एक्स मान लिया जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है एंड देन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो x² = इसको वापस आप 2+x लिख सकते थे और फिर स्क्वायरिंग करते तो x² = 2+x, x² - x - 2 = 0, यानी x - 2, x + 1 = 0, तो x = आ गया 2 और -1। अब -1 नहीं हो सकता था क्योंकि √2 + √2 है, तो 2 + 2 हुआ 4। पर सोचिए अगर आपका ये कंसेप्ट भी क्लियर नहीं होता तो 2 - 1 = 1 होता है, 1 भी एक ऑप्शन है, यानी ऐसी पॉसिबल मिस्टेक्स होती है, क्योंकि आप समझिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैंने पढ़ाया हुआ है, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म, √2 √2 √2 अगर दिया हुआ तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है, राइट। नोट डाउन दिस क्वेश्चन, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या है, इन एन एग्जामिनेशन 52% कैंडिडेट फेल इन इंग्लिश, 52% जो है वो इंग्लिश में फेल होते हैं, 42% फेल इन मैथमेटिक्स एंड 17% फेल इन इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स बोथ सब्जेक्ट, देन व्हाट परसेंट पास इन बोथ द सब्जेक्ट, दोनों सब्जेक्ट में पास होने वाले। देखिए कितना सिंपल सेट थ्योरी में पढ़े हुए क्वेश्चन है, ये इंग्लिश ले लीजिए, ये मैथ्स पहले कॉमन वाला ले लीजिए 17, इंग्लिश वाले 52 तो 35, मैथ्स वाले 42 तो 25, देखिए ये 42 मैथ्स 52 इंग्लिश कॉमन 17, इनको ऐड करिए ये हो गया 77, यानी 77% लोग तो फेल हैं, तो बचे हुए 23% क्या होंगे, पास, तो आपको पास का परसेंट पूछा हुआ था, राइट। नोट डाउन दिस क्वेश्चन, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, देखिए क्या है,
तुषार टेक्स 6 hours टू कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क. तुषार जो है वो 6 hours में वर्क को कंप्लीट करता है, राइट. तुषार टेक्स 6 hours टू कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क वाइल अमर कंप्लीट द सेम वर्क इन 10 hours. अमर उसी काम को 10 hours में कंप्लीट करता है. यानी तुषार का 1 hour वर्क कितना, ये मैंने बताया हुआ 1/6 तुषार का, और अमर का 1 hour वर्क है 1/10. अब क्वेश्चन क्या सुनिए. तुषार टेक 6 hours टू कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क वाइल अमर कंप्लीट द सेम वर्क इन 10 hours. ये बोथ ऑफ देम वर्क टूगेदर देन व्हाट द टाइम रिक्वायर्ड. अब दोनों का 1 hour का वर्क निकाल लीजिए. 1/6 + 1/10 ऑब्वियसली एलसीएम आ गया 30, तो 5 + 3 यानी 8/30 यानी 2 से कैंसिल कर दीजिए तो 4/15. अब 4/15 का मतलब हुआ कि ये 1 hour का वर्क है इतना होगा, तो इसका रिवर्स कर दीजिए 15/4 यानी आप बेसिकली ऐसा बोल सकते हैं 15/4 में डिवाइड करिए तो 3 hours 45 minutes. अगर ये ठीक 16 होता तो 4 days होता, यानी 4 units को एक मान लीजिए तो 4 units को एक माना तो 3 times कंप्लीट डिवाइड हुआ तो 3 hours, और अब ये बचा रिमाइंडर 3 यानी 45 minutes. तो 3 hours 45 minutes में वर्क कंप्लीट होगा क्योंकि हम ये 1 hour को यूनिट लेके चल रहा है, राइट. नोट डाउन दिस क्वेश्चन. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. देखिए क्या है. इफ 3x = 4y = 12z देन z = आपसे पूछा है. अब देखिए ऑप्शन किस तरह के दिए, मैं आपको लॉजिक बताता हूं. क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, सिंपल क्वेश्चन है. क्या करना होता है बता रहा हूं. 4x + 3y. सबसे पहले जब भी कभी 3 क्वांटिटी इक्वल दिए तो आप इसके इक्वल एक लैम्डा भी ले सकते हैं, k भी. तो 3x = 4y = 12z = k ले लिया आपने. अब देखिए 3x = भी टाइम बताता हूँ कैसे बचेगा. आप इसका लॉग ले लीजिए और याद रखिएगा लॉग m/n = n log m. तो अगर आप लॉग लेते तो आप ऐसा लिखते, अभी स्टेप समझाने के लिए लिख रहा हूँ, इक्वल टू लॉग k देन x = x log 3 = log k/log 3. मतलब अभी अगले स्टेप में लिखते हैं x = log k/log 3. अब देखिए जैसे x निकला है वैसे ही y निकलेगा log k/log 4, ऐसे ही z निकलेगा log k/log 12. अब आपको इन टर्म ऑफ xy आंसर देना है. तो एक बात बताइए, log 12 को हम चाहें तो log 4 × 3 लिख सकते हैं क्योंकि हमारे पास वैल्यू है. तो log 4 × 3 log mn से हो जाएगा log 4 + log 3. इसका मतलब आप ऐसा लिख सकते हैं log k/log 4 + log 3, राइट. अगर मैं आपसे बोलूं बहुत ही सिंपल, अब देखिए क्वेश्चन का आपको पकड़ में आ जाना चाहिए कि ये इसका आंसर होगा क्योंकि x प्लस y के टर्म में हो जाएगा. अब मैं आपसे बोलूं कि log, केवल यहां पर देखिए log 3 की वैल्यू क्या है, तो आप बोलते log 3 की वैल्यू आप बोलते log k/x बोलते. तो आप यहां लिखते log k/x + log k/y. अब log k कॉमन कैंसिल, एलसीएम लेते तो xy/x + y, देन दिस इज द राइट आंसर. यानी बेसिक log की प्रॉपर्टी क्लियर हो तो बहुत इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता था. नोट कर लीजिए क्वेश्चन. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. देखिए क्या है. इफ p and q आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² - 15x + r = 0 एंड p - q = 1 दिया है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r. सिंपल क्वेश्चन है. p और q इसके रूट्स हैं. आपको पता है सम ऑफ रूट्स क्या होता है, -b/a. प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज pq, दिस इज r. अब p - q बोला है तो p - q कितना दिया, 1. तो p - q को मैं चाहूं तो ऐसा लिख सकता हूं p + q² - 4pq एंड दिस इज 1 = p + q 15 225 - 4r, राइट. अब यहां पर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दें तो 4r = आपको ऐसा मिलेगा 1 = 225 - 4r यानी 4r = 224. तो r = कितना हो जाएगा, डिवाइड कर दीजिए 56. तो 56 इज अ राइट आंसर, राइट. नोट डाउन दिस क्वेश्चन.